तारीफ करूं बहुत वक्त चाहिए, लेकिन एक शेर पर मैं आपका जहन फिर से लौटा के लाना चाहता हूं। और उन्होंने जब ये शेर पढ़ा कि बेटा मेरा धन के लिए परदेश गया है, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी। ये कैफियत चूंकि हमारे दिलों के बहुत करीब है, ये जितने भी मशाहिर शोरा-ए-किराम बैठे हैं, जिनके चेहरों की चमक देखकर जिनके अशार पर आप तालियां बजाते हैं, 20-20 दिन के बाद ये लोग अपने घरों की शक्ल देख पाते हैं, अपने बच्चों से मिल पाते हैं। दिन दिन भर भागना और रातों को जागना हमारा नसीब बन गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे किसी तरह की कोई हमदर्दी की तवक्को कर रहे हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं कि ये कर्ब है। खुर्शीद हैदर साहब ने सरहद से इधर का कर्ब बताया कि बेटा मेरा धन के लिए परदेश गया है, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी। अब सरहद से उधर का कर्ब सुनिए, वो ये है कि ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर है जिनके लिए कमाना है। खुशी ये है कि मेरे घर से फोन आया है, सितम ये है कि मुझे खैरियत बताना है। नमाज ईद की पढ़ के मैं ढूंढता ही रहा, कोई मिले यहां अपना गले लगाना है। नमाज ईद की पढ़ के मैं ढूंढता ही रहा, कोई मिले यहां अपना गले लगाना है। हजराते गिरामी, ये वो कर्ब है जिसे शायर आप बीती को जग बीती और जग बीती को आप बीती बनाने में इन एहसासात का इस्तेमाल करता है। एक बार फिर पूरा मजमा मिलकर खुर्शीद हैदर और हमारे मुशायरा कमेटी का जोरदार इस्तकबाल करें, ताकि ये मुशायरे में मैं अगले शायर से आपकी मुलाकात कराऊं। फिर से एक पैगाम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और एक बड़े संजीदा शायर से मुलाकात कराने जा रहा हूं। भैया यकी करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। बहुत तवज्जो चाहता हूं, दाद दीजिए मत दीजिए, लेकिन अपने साथ लेकर जाइए ये मिसरे। यकी करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अगर हम अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। हजराते गिरामी, एक बहुत संजीदा शायर को आपके बीच माइक पर आवाज दे रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं जनाबे अब्दुल रब हम्माद से तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजे। जनाबे अब्दुल रब हम्माद। सलाम अलैकुम हाजरीन गिरामी, बहुत खूबसूरत मुशायरा अपने उरूज की तरफ चल पड़ा है, बहुत उम्दा आप सुन रहे हैं और ऐसे नूरानी और बावकार शख्सियत हमारे इस पंडाल में मौजूद हैं। स्टेज भी बहुत मोतबर है, मोतबर शोरा इकराम है और अब सीनियर शोरा की तरफ हमें चलना है। मैं मेज़बान शायर हूँ, मेरा खतौली से ही ताल्लुक है। हमारे बहुत सारे साथी फुलत से, भूड़ से, कांदला से, मीरापुर से सबसे तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि मैं भी इस कमेटी का हिस्सा हूँ, तो मैं शुक्रगुजारी के तौर पर आपका शुक्रिया अदा करने के तौर पर यहाँ खड़ा हुआ हूँ। दो तीन शेर पढ़कर अपनी जगह लूंगा, क्योंकि मैं चाहता ही हूं कि अपने मेहमान शोरा को हम सुने। मौलाना आपको यहाँ आना चाहिए ऊपर, मैं मतलब पढ़ता हूँ यहाँ से। चार मिसरे से शुरुआत करूंगा। शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम साथियों का। आओ तुम्हें बतलाए लोगो, क्या मैं यार हमारा है।
आओ तुम्हें बतलाए लोगो क्या मैं यार हमारा है। खाके वतन में खून की सूरत शामिल प्यार हमारा है। खाके वतन में खून की सूरत शामिल प्यार हमारा है। तुम तारीख उठा कर देखो, तुम तारीख उठा कर देखो, आजादी के मंजर की पहली सफ में आगे हम थे, ये किरदार हमारा है। बहुत शुक्रिया। पहली सफ में आगे हम थे, ये किरदार हमारा है। यहां से दो तीन शेर। कांपते होंगे दीवारों दर, ये कब मैंने सोचा था। कांपते होंगे दीवारों दर, ये कब मैंने सोचा था। कांपते होंगे दीवारों दर, ये कब मैंने सोचा था। खौफ का हर सू होगा मंजर, ये कब मैंने सोचा था। खौफ का हर सू होगा मंजर, ये कब मैंने सोचा था। मजलूमों के खून से जिसका दामन तर है आज तलक। मजलूमों के खून से जिसका दामन तर है आज तलक। मजलूमों के खून से जिसका दामन तर है आज तलक। मुल्क का होगा वो भी रहबर, ये कब मैंने सोचा था। मुल्क का होगा वो भी रहबर, ये कब मैंने सोचा था। और शेर बतौर खास पेश करता हूँ, एक मंजर और एक कर्ब पेश करता हूँ। कलियों के भी जिस्मों को खूंखार दरिंदे नोचेंगे। कलियों के भी जिस्मों को खूंखार दरिंदे नोचेंगे। कलियों के भी जिस्मों को खूंखार दरिंदे नोचेंगे। फूल भी होंगे जेरे खंजर, फूल भी होंगे जेरे खंजर, ये कब मैंने सोचा था। फूल भी होंगे जेरे खंजर, ये कब मैंने सोचा था। मक्ता हजरत खिदमत है इरशाद। फूल भी होंगे जेरे खंजर, ये कब मैंने सोचा था। जिक्र छिड़ेगा जब भी हमारी तशना दहानी का हम्मत। जिक्र छिड़ेगा जब भी हमारी तशना दहानी का हम्मत। जिक्र छिड़ेगा जब भी हमारी तशना दहानी का हम्मत। हो जाएगा खुश्क समंदर, ये कब मैंने सोचा था। हो जाएगा खुश्क समंदर, ये कब मैंने सोचा। हजरत गिरामी, आप अब्दुल रब हम्माद को सुन रहे थे। बहुत देर से बड़ी संजीदा शायरी आप सुन रहे हैं। थोड़ी सी